हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू पोएम ट्री क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्री और इन विच ट्री आल्सो पार्टिसिपेट. वी प्ले हाइड एंड सीक और स्विंग. ओके, हाइड एंड सीक एंड और स्विंग ऑन इट्स ब्रांच. ओके, ऑन इट्स. चलो पहले मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ. वी प्ले हाइड एंड सीक और स्विंग ऑन इट्स ब्रांच, मेक ट्री हाउसेस और have a tea party under it. During summer we relax under its cool shade. तो ये हमने लिख लिया है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. वी प्ले हाइड एंड सीक और स्विंग ऑन इट्स ब्रांच, मेक ट्री हाउस और हैव ए ट्री पार्टी अंडर इट्स. ड्यूरिंग समर वी रिलैक्स अंडर इट्स कूल शेड. सो मैं आपको पहले एक डिक्टेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी, फिर से डिक्टेट कर दूँगी रिपीटली. ओके, तो हाँ, यहाँ का आंसर है, ड्यूरिंग विंटर वी प्ले इन सनी प्लेसेस विद ट्री अराउंड लाइक पार्क्स. अब मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. ये देखो, ड्यूरिंग विंटर वी हैव प्ले इन सनी प्लेसेस विद ट्रीज अराउंड लाइक पार्क. Trees are for apple to grow on or pieces. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruits on it? Or do you think this line is useless? अब मैं इसका आंसर आपको डिक्टेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिटर्न में भी बता देती हूँ. तो इसका आंसर है yes, one purpose of tree is to have fruits and poet humorously says apple and pear which are most common fruits. तो अब मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ ये, ठीक है. तो yes, one purpose of trees is to have fruits and poet pears which are most common fruits. तो मैं इसको दोबारा डिक्लेयर कर देती हूँ. येस, वन पर्पस ऑफ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स एंड पोएट ह्यूमरसली सेज एप्पल एंड पेयर विच आर मोस्ट कॉमन फ्रूट्स. सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही. बाय बाय.